समय जाति पाति चरम सीमा पे थी, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। जो संविधान चलता था उसमें लिखा गया था स्त्री शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए, नहीं तो धर्म की हानि होगी। राजा महलों में पैदा होता था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन। आज राजा झोपड़ियों से पैदा होता है, आपके वोटों से पैदा होता है, यह किसी देवी देवता की देन नहीं, किसी सेना वाली पहाड़ वाली की देन नहीं, यह देन है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इसी कड़ी में पूरे जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो गरीब मजलूम असहाय लोगों के लिए संघर्ष किया, अपने कोटा से ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम जाग जाएगा अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। ये नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे कोटा सन में कहा है, जुल्म करने वाले से गुनाहगार वह होता है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। दोस्तों, जुल्म को बर्दाश्त करता है। इसी कड़ी में पूरे जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष करके आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिया है, उसी मौलिक अधिकार को सजोने के लिए, आपको बताने के लिए आपके बीच में मान्यवर कांशीराम साहब चल करके पंजाब से आए, देश के कोने कोने में गुलामों को गुलामी का एहसास कराए, यही ऑफिस से बैठ के देश को संदेश देने का काम किया। और तब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा लगाया कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई, दोस्तों तूने सोती कौन जगाई। यही नहीं, आज नारा लग रहा है गली गली में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। दोस्तों, हाथी चला विजय की ओर। और इस विजय अभियान को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी, आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में जो एक संदेश देने का काम किया, दलित मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज को मिला करके जो एक गठबंधन हुआ। आज मनुवाद की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पेट का पानी हिलने लगा। दोस्तों, पानी हिलने लगा। इस बहन जी के जन्मदिन पे हम लोगों को आज कसम लेके जाना है कि आने वाला जो 19 का लोकसभा चुनाव है, बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब बहन जी का जन्मदिन मुबारक होगा। मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा मिशन पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ दिल्ली प्रदेश के सभी जोन कोऑर्डिनेटर साथियों का, जिला अध्यक्ष साथियों का, जिला कोऑर्डिनेटर साथियों का, विधानसभा अध्यक्ष साथियों का, विधान सभा प्रभारी साथियों का, वार्ड प्रभारी साथियों का, सभी सेक्टर बूथ के कार्यकर्ताओं नेताओं का, गायक मंडली का दिल की गहराइयों से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।